सदन में फुर्सत के पल को लेकर क्या कुछ हुआ यह हम बताते हैं। सदन को हंसाकर लोटपोट किया एमएलए रूपाराम ने, भजन और गीत सुनाया मकराना विधायक रूपाराम ने, सभापति राजेंद्र पारिक ने कहा मकराना मार्बल को विश्व में पहचान मिली इसलिए या तो नाम के आगे से मकराना हटाओ या फिर पूरे सदन को लड्डू खिलाओ। तो इस तरीके से हल्के फुल्के अंदाज में उन्होंने इन बातों का जिक्र किया और सदन में जहां तल्ख माहौल रहता है आज उनकी वजह से थोड़ा हंसी का माहौल रहा। विधानसभा में आज सत्ता पक्ष के विधायकों की संख्या भी कम रही है। माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 28 ग्रामीण विकास रूपाराम मकराना, रूपाराम मकराना विकास पर बोलने का आपने मौका दिया, धन्यवाद। विकास के बारे में आज माननीय सभापति महोदय कहते बैठ जाऊंगा, ज्यादा सम्मान है नहीं मेरे पास बोलने को। बोलना है सिर्फ बोलने के लिए, सदन में बोलना है सिर्फ बोलने के लिए, आए हैं मुंह खोलने के लिए, होता वो नहीं जो होना चाहिए। विकास पर है दीमक लकड़ी को, जंग लोहे को, जहरीली व मिलावटी वस्तु मानव जीवन को, हमारी जिंदगी को, घमंड मान सम्मान को, असत्य विश्वास को और भ्रष्टाचार विकास को खा जाता है। माननीय सभापति महोदय, विकास मिले से बड़ी जड़ यही है। मैंने सबसे पहले जब विधानसभा में आपके सामने कुछ दो बातें कही तो मेरा सोच यही था। मैंने राजनीति को इसलिए अपनाया, मैं 20 साल बाद में आया हूं, मैंने कहा इस जमाने से जाने के पहले रूपाराम कुछ तो ऐसा कर जा कि तेरी आत्मा में शांति हो। मैंने कहा ना जब मैं भगवान के पास जाऊंगा तो पूछेगा रूपाराम तूने क्या कहा, क्या करके आयो, हे प्रभु जो गीता रामायण में कुरान में तूने लिखा अच्छाई और सच्चाई के मार्ग चला हूं, संविधान में जो तूने कहा वही किया है। लेकिन मेरे दाता हमारी संख्या कम थी इसलिए मैं वो नहीं कर पाया जो मुझे करना चाहिए था। मैं इस राजनीति को साधने स्वर्ग का मार्ग यज्ञ तपस्या और मैं तो यहां तक कह रहा हूं हम सब एक दिन चले जाएंगे। इसलिए किसी भी बात पर विकास पर मैं इतना ही बोलूंगा, गांव में जो विकास हो रहा है सड़कों के नाम पर, ट्यूबवेल के नाम पर, हमारी सरकार माननीय उप मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, माननीय उपमुख्यमंत्री जी मैं सभापति जी के माध्यम से आपको कुछ कहना चाहता हूं, जो भी विकास हो वो दीर्घकालीन हो, टिकाऊ हो।